हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी पजामा बनाने। तो चलिए इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। और इसके साथ ही मैं बता दूं, ये मेजरमेंट है और इसको हम ये अपना सब करके रखे हैं, कितना प्लस करते हैं, कितना से कितने को डिवाइड करते हैं। सब जानते हैं कि हम किसी भी चीज़ को, कपड़े को फोर फोल्ड करके फोर पार्ट में जो होता है आता है, फोर्थ भाग निकाल कर हम वही वाला अंक डालते हैं नापने के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखिए, हमें चाहिए कपड़ा 1.5 मीटर, इंची टेप, चौक और कैंची। चलिए मैं पहले कपड़े को सही कर लेती हूँ। इसमें हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसलिए मैं पहले नाप कर निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ अब ले लेंगे हम। ये हम इसकी लेंथ है 31, हमारा रेडी होगा। और एक्स्ट्रा हमने लिया है 2.5 इंच, ये बॉटम फोल्ड करने के लिए। और ये आसन के लिए लिया है 11 इंच, लंबाई में ही डाउन करके 11 इंच पे मार्क कर देंगे। और वैसे ही ये हिप का भी ले लेंगे, चौड़ाई में 11 इंच। ऐसे ये 11 इंच का एक बॉक्स बन जाएगा, 11 इंच का। और कमर का ले लेंगे 10 इंच और 1/2 इंच मार्जिन, 10 इंच प्लस 0.5 इंच, मतलब 1/2 इंच। अब हम ये 11 इंच लिए थे, वहाँ से ये 10 इंच वाला एक मार्क कर लेंगे, ऐसे एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए जो रेड वाला बना रखा है, दिख रहा है आपको। अब बॉटम देख लेते हैं। बॉटम हमारा है 14 इंच, तो हम उसके लिए उसका 1/2 लेंगे 7 इंच, और प्लस 1 इंच और कर लेंगे मार्जिन के लिए। अब इस कोने से ये हम क्रॉच एरिया तक ऐसे सेट कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है। ये देखिए कटिंग करने के बाद ऐसे दिखेगा। ये फोर टू पार्ट्स बने हैं। अब इसको हम पहले ज्वाइंट कर लेते हैं। कपड़े के उल्टा सीधा साइड हम देख लेंगे, उल्टी साइड में हम सिलाई लगाएंगे। पहले आसन जोड़ लेंगे, ये आसन ऊपर से जो 11 इंच का लिया था वो आसन है। चलिए इसको मैं जोड़ दिखाती हूँ। ये जुड़ गया, ये देखिए ये ऐसे आएगा। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दूसरी साइड में ये भी हमारा बन गया। अब हम बॉटम कर लेंगे। पहले ये 1/2 इंच मैंने पहले फोल्ड किया, अब ये 1.5 इंच, तो हमारा 2 इंच हो जाएगा। 2.5 इंच लिया था हमने एक्स्ट्रा, तो 1/2 इंच ऊपर के भी बेल्ट जोड़ने टाइम जाएगा सिलाई में। ये देखिए ये हम बॉटम बराबर से सिल लेंगे, हल्के हाथों से पीछे से खींच के। ये भी सिल गए, ये सीधे साइड में है और ये हमारी उल्टी साइड में आएगी जो फोल्ड किया हमने कपड़ा। अब ऐसे ही दूसरा भी बना लेंगे। इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये दोनों बन गया। अब हमें इसका बॉटम चाहिए, ये 7 इंच। 1 इंच मैंने मार्जिन छोड़ा था, इसलिए मुझे ये 7 इंच यहाँ हो रहा है।
आपका जितना भी बॉटम हो आप उसे मार्क कर लें। अभी मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही सिल लेती हूँ। पर ये 7 इंच है, चलिए इसको बना लेते हैं। पहले यहाँ से ये जो मैंने पकड़ा है ये आसन है, ये इसके जो दोनों ज्वाइंट है वो बराबर आनी चाहिए। यहाँ पे हम लगा लेते हैं सिलाई। चलिए तो मैं सिल कर दिखाती हूँ। हाँ, शुरू में सिलाई आप मजबूत कर लें। ये देखिए, यही बोल रही थी, ये आसन के जो ज्वाइंट है वो एकदम बिल्कुल ही मतलब एक पर आने चाहिए। कभी कभी होता है कि एक जोड़ कहीं और आ रही है, एक जोड़ कहीं और आ रही है, वो सही नहीं है। ये भी हमारा बन गया है, ये बन कर देखिए ऐसे दिखेगा। अभी हमें इसमें इलास्टिक लगानी है ऊपर, उसके लिए मैंने बेल्ट के लिए इलास्टिक के लिए बेल्ट नहीं काटी थी, ये मैंने काट लिया। अब इसको भी ज्वाइंट कर लेते हैं। इसको मैंने उल्टे साइड में रखा है, ये देखिए ये हमारी उल्टी साइड है, और मैं इस पर ऐसे सिलाई करूँगी। तब ये जब मिला इलास्टिक लगाऊँगी दिखाऊँगी अभी, तो ये पलट कर सीधे साइड में आएगी, उससे ज़्यादा फिनिशिंग में आते हैं कपड़े। इसको मैं पहले सिल कर दिखाती हूँ। 1/2 इंच मैं यहाँ छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि हम जब राउंड करेंगे पूरा करेंगे ये, वहाँ पे फिर एक जॉइंट लगानी पड़ेगी बेल्ट में, इसके लिए मैंने 1/2 इंच छोड़ दिया है। ये हो गया। अब देखिए ये जो 1/2 इंच छोड़ा था मैंने, अब मैं उसे पकड़ कर सिल ले रही हूँ। ये भी लग गई सिलाई। इसके बाद जो हमारी थोड़ी सी अब सिलाई बची हुई है 1/2 इंच 1 इंच, उसको मैंने सिल लिया। अभी ये हमारा पूरा राउंड में हो गया। इसके लिए इलास्टिक ले लेंगे और एक के ऊपर एक रखेंगे। 1/2 इंच से मैंने एक्स्ट्रा रखा है, 1 इंच से कम रखा है। इसमें हम थोड़ा सा मजबूत सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि ये अंदर का है तो फिर थोड़ी मजबूत सिलाई हो जाएगी तो सही रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बन गया। ऐसे कुछ सिलाई लगा लेंगे, अपनी मर्जी है। अब मैं इलास्टिक रख रही हूँ बेल्ट पर, और उधर वाली सिलाई को मैं देखिए, ये देखिए सफाई के साथ दिखाती हूँ। अब इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसे भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, इसको थोड़ा थोड़ा सेट करते जाएंगे और सही बनाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा पकड़ पकड़ के। उधर से हम इलास्टिक को खींचते जाएंगे। ये देखिए ऐसे, फिर हमारा बनते जाएगा। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सेट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा। ये भी कंप्लीट होने वाला है। अगर कपड़े बच जा रहे हैं तो हल्के से प्लेट दे दीजिए, उससे कुछ होता नहीं है। ये देखिए अभी तो बन गया, ये बन के मेरा ऐसा आया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। बाय।